हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। सगाइस, आप सब आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सगाइस, ये व्लॉग जो है, मेरे साथ एक फ्रॉड हो रहा था, उस फ्रॉड से मैं कैसे बचा हूं। एक्टिव राहुल नाम की आईडी से मेरे पास मैसेज आता है और मुझसे 3500 रुपये मांगे जाते हैं चैनल को प्रमोट करने को लेकर के। सगाइस, मेरे पास QR कोड भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। मैं आपको आगे बताता हूँ व्लॉग में कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। सो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये वाक्या मेरे साथ क्यों हुआ, ये वाक्या मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि कल यानी कि 4 मार्च 2024 को एक्टिव राहुल जी का एक मैंने रील देखा इंस्टाग्राम पे। उस रील में ये था, उस पोस्ट में ये था कि जो जो भाई लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ से हैं, वो लोग कमेंट करें और मैं उनको प्रमोट करूंगा, मैं उनके साथ वीडियो शूट करूंगा, उनकी स्टोरी लगाऊंगा जो यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मैंने भी उनकी वीडियो में कमेंट की। तो मेरे पास आज सुबह मैसेज आता है एक्टिव राहुल के नाम से इंस्टाग्राम पर। एक्टिव राहुल के नाम से मेरे पास मैसेज आता है, मुझसे 3500 रुपये मांगे जाते हैं सिर्फ किस नाम के, चैनल प्रमोट करने के। मैं समझ गया, जब मेरे से 3500 रुपये मांगे जाते हैं चैनल प्रमोट करने के, मैं समझ गया कि एक्टिव राहुल फ्रॉड है और पक्का ये प्रमोट नहीं करेगा और मेरे पैसे खा जाएगा। फिर मैंने बात करना स्टार्ट किया। सबसे पहले इनका मैसेज आता है मेरे पास मैसेज आता है हेलो। मैंने कहा हेलो भैया। उसके बाद ये बोलते हैं क्या हेल्प चाहिए आपको। मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार लखनऊ आएंगे तब मिलूंगा, तभी बात करूंगा, थैंक्स फॉर रिप्लाई। ये मैंने कह के आगे बंद कर दिया अपना इंस्टाग्राम। फिर मैंने दोबारा क्या किया, मैंने कहा यार इतनी जल्दी रिप्लाई आ गया, मैंने कई बार एक्टिव राहुल जी से बात करनी चाहिए, उनका रिप्लाई नहीं आया, आज बहुत जल्दी रिप्लाई आ गया। तो मैंने इनकी आईडी चेक किया, आईडी पे गया तो वहां पर दिखा मुझे कि 10,000 फॉलोअर हैं और 3692 लोगों को इन्होंने फॉलो कर रखा है। फिर यूट्यूब की लिंक भी दी, यूट्यूब चैनल की। मैंने कहा यार यूट्यूब चैनल की लिंक भी है, एक बार चेक करता हूँ, क्या पता सही आईडी हो। यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने चेक किया तो ओरिजिनल चैनल खुल के आया मेरे पास, ओरिजिनल चैनल खुल के आया एक्टिव राहुल जी का मेरे पास। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा यह भी तो हो सकता है कि सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाने के लिए इस फ्रॉडिया आदमी ने क्या नाम है एक्टिव राहुल जी की ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल चैनल का लिंक डाल रखा हो। फिर आगे मैंने बात करना स्टार्ट किया, फिर मैंने आगे बात करना चाहा, फिर मैंने जब ये बोल दिया थैंक्स फॉर रिप्लाई, फिर उनका मैसेज आया उधर से अपने मन से कि लखनऊ में मिलोगे। मैंने कहा यस। फिर क्या हेल्प क्या चाहिए थी आपको। मैंने कहा बस अपने चैनल को लेकर कुछ बात करनी है मुझे। फिर जब मैंने कहा कि मुझे अपने चैनल को लेकर के बात करनी है, फिर इनका उधर से फिर से रिप्लाई आता है और ये बोलते हैं बताइए वहां बहुत लोग रहेंगे, मैं पहचान नहीं पाऊंगा आपको, मैं यहीं से हेल्प कर देता हूं आपकी। मैंने मन में सोचा अच्छा जी, तो बोलते हैं प्रॉब्लम तो बताओ, प्रॉब्लम बताओ आप। मैंने सीधे ये बोला कि क्या चार्जेस हैं आपके। फिर ये बोलते हैं किस चीज के, मैंने कहा चैनल ग्रो करने के। फिर बोलते हैं प्रमोशन का, मैंने कहा हाँ, स्क्रीनशॉट तो आप लोग देख ही रहे होंगे, मैंने लगा रखा है। फिर ये डायरेक्ट बोलते हैं 3500 सर, मैंने कहा ओके थैंक्स। जब मैंने कहा ओके थैंक्स तो ये बोलते हैं नहीं करवाओगे, मैंने कहा करवाना है, आप अपना QR कोड सेंड कीजिए बट प्लीज कर दीजिएगा प्रमोट। बोलते हैं हाँ अभी पे हो जाएगा ना, मैंने कहा हाँ अभी पे हो जाएगा। फिर ये अपना QR कोड सेंड करते हैं, QR कोड सेंड करने के बाद मुझे बोलते हैं स्क्रीनशॉट भेजिए, मैंने कहा हाँ जी। जब इनका QR कोड आता है तो मुझे तो पहले से पता होता है कि एक्टिव राहुल ये वाला फ्रॉड है पक्का 101%। फिर मैं चेक करता हूँ फोन पे जाकर के और वहां पर क्या देखता हूँ, वहां पर नाम आ रहा है मिस्टर अंकित झा, मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैं वहीं से बैक आता हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर, तब तक इनका मैसेज आ चुका होता है स्क्रीनशॉट भेज। मैंने कहा मेरा UPI प्रॉब्लम है, आप अपना अकाउंट डिटेल भेज दो, मैं कर देता हूँ IMPS या NEFT। फिर इनका मैसेज आता है मैं बैंक डिटेल नहीं दे सकता, आपको किसी और से पे करवा दो, आप उन्हें बैंक ट्रांसफर कर देना। मैंने कहा अच्छा जी। मन में मैं बहुत हंस रहा था लेकिन मैंने कहा आज इस फ्रॉड को एक्सपोज करके ही रहूंगा। फिर मैंने कहा मेरे आसपास अभी कोई नहीं है। फिर ये बोलते हैं अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या दिक्कत है QR से, स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप मिलोगे तब करा लूंगा अपना चैनल प्रमोट। जब मैंने कहा कि आप मिलोगे तब करा लूंगा चैनल प्रमोट, तब ये बोलते वहां मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा, स्टेज पर रहूंगा ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं, फिर
किसी और से करा लूंगा। बोले अच्छा ओके, मैंने कहा ओके जी बाय। उसके बाद ये हार्ट टच करते हैं मेरे मैसेज पर, मतलब लाइक करते हैं मेरा मैसेज, और उसके बाद मेरी इनकी कोई बात नहीं होती है। अच्छा, जब मेरी इनकी बात हो रही थी उसी बीच में मैंने एक्टिव राहुल 993 जी जो हैं उनकी जो ओरिजिनल आईडी है उनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनको मैसेज किया, स्क्रीनशॉट भी मैसेज किया। मैंने कहा कि राहुल भैया मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है और ये देखिए आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, वो सारे स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ लगा शेयर कर रहा हूँ। लेकिन राहुल जी का कोई मैसेज नहीं आता है, हालांकि मुझे तो पता था, मैं राहुल जी को बराबर फॉलो करता हूँ और उनकी सारी वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे पता है कि राहुल जी ऐसे पैसे नहीं मांगते हैं, वो प्रमोट करने के नाम पे पैसे नहीं मांगते हैं। बस मुझे इस बंदे को एक्सपोज करना था, इसलिए मैंने इससे बात की और कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा की। सो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से सतर्क रहिए जो चैनल प्रमोट करने के नाम पर पैसे मांगते हैं। मैं तो नहीं दिया एक भी पैसा, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, इनकी आईडी चेक कीजिए, एक्टिव राहुल 993 एक ओरिजिनल आईडी है, इनसे आप डायरेक्ट बात। अदर किसी आईडी से मैसेज आता है कि मैं उनका भाई हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं करवा दूंगा या मैं करवा दूंगी, तो प्लीज ऐसे लोगों को पैसे ना दीजिए और अपने पैसे बचाइए, बहुत मेहनत से पैसा आता है, हम सब आप सब जानते हैं। तो मेरा काम तो हो गया, मैंने आप लोगों को जो जानकारी देनी थी दे दी और मैं एक्टिव राहुल जी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप ये वीडियो मेरा देखे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए और एक छोटा सा वीडियो बनाइए इंस्टाग्राम पे फिर से कि कोई भी आपके नाम पे अगर पैसा मांगता है चैनल प्रमोट करने को लेकर के तो उनको ना दिया जाए। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके बाय।